वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, इवन वीडियो भी बहुत टाइम बाद आई है, बट मैं शॉर्ट्स और रील्स ही डाल पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल एंड रूटीन। तो आज मैं जा रही हूँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने मेरठ। तो अब मैं पैकिंग करते करते तुम्हें रीजन बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं पोस्ट कर पाती इतना फ्रिक्वेंटली। लेट्स स्टार्ट। और यार जब मैं छोटी थी ना, मैं बचपन से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ। मैं तुमको अपनी फोटो दिखाती हूँ। ये ब्लर क्यों आ रही है? ऐसी दिखती थी मैं। सी तो मतलब लाइक आई वॉज वेरी इनोसेंट एंड समटाइम्स आई मिस माई सेल्फ कि मैं ऐसी थी। एंड आई यूज टू गेट बुलीड इन स्कूल। मतलब उसको देख के लगता है मैं बुली होती थी स्कूल में। मेरे आस पड़ोस वाले वाला है कि ये बहुत अजीब है, अजीब सी है। एंड मतलब मेरे को लड़के भी अपने साथ इसलिए नहीं खेलने देते थे बिकॉज मैं गर्ल हूँ। और वो लाइक मेरे को वो बता देते बीच का बिच्छू बना देते थे। लाइक अगर किसी की मम्मी ने बुला लिया या फिर किसी को चोट लग गई तो श्रद्धा आ जाती, वो आ जाती। मेरा मतलब घर में नाम विशु है, विशु तू आ जा तू खेल ले। और वो भी इसलिए कि सबसे वीक टीम जो होती थी ना वो भी मुझे नहीं लेती थी। अब ये सोच लो मेरा बुरा हाल था। तो फिर मतलब लाइक मैं जैसे पीछे देखती हूँ ना तो मेरे को याद आ जाता है कि क्या क्या देखा है, क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद ये देखती हूँ जिन जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, तो मैं उनके लिए सोचती हूँ यार कितना बुरा फील होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड इट जब तुमको सब अपने से दूर रखें तो फिर ना अकेले रहने की ना आदत हो जाती है। और फिर जब वो आदत हो जाती है तो फिर तुम बोरिंग हो जाते हो मेरी तरह। अस मोमेंट यार मैं ब्लॉगिंग करने में ना इसलिए भी इतनी अनकम्फर्टेबल थी एक टाइम पे क्योंकि मतलब लाइक मैं बहुत ज़्यादा ना एंटी सोशल हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती लोगों से। तो लाइक मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे जज करेंगे और ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आते थे तो मतलब लाइक ऐसा फील होता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट उन लोगों के हेट से ज़्यादा तुम लोगों का प्यार मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक मैं फिर जब छोटी थी ना मैं, तो मैं मतलब बाहर बहुत ज़्यादा खेला करती थी। तो घर वाले बोला करते थे धूप में काली हो जाएगी, रंग काला पड़ गया तेरी शादी कौन करेगा। लाइक सोचो तुम 5 या 6 साल के बच्चे हो, तुम्हारे मेंटेलिटी में तुम्हें कैरियर बनाने की जगह तुम्हारे घर वाले ये डाल रहे हैं कि तुम्हारा रंग काला पड़ गया तो शादी कौन करेगा। लाइक यार मैंने ना व्लॉग्स वगैरह डालना ना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था, मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि जो एंटरटेनिंग व्लॉग्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं जो लोग, उनके व्लॉग्स लोगों को अच्छे लगते हैं। अब डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सब ना आज की यूथ को ना बहुत बोरिंग लगता है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि एक ही चीज़ कर करके मैं खुद बोर होगी, तुम लोग देख देख के बोर हो जाओगे यार। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार क्या इन लोगों को पकाना, बट फिर मैंने सोचा कि यार चलो ट्राई कर लेते। तो अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ शायद से, एटलीस्ट मैं अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी तक तो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आगे भगवान भरोसे। तो लाइक जैसे व्लॉग्स उनके ही चलते हैं अकॉर्डिंग टू मी जिनके अजीब अजीब प्रजाति के दोस्त होते हैं या फिर जो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। मैं ना तो एंटरटेनिंग हूँ ना मेरे अजीब अजीब प्रजाति के दोस्त हैं। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है ट्रेनिंग से और मेरी इवनिंग ख़त्म होती है ट्रेनिंग से। तो अगर तुम लोग बोर नहीं होना चाहते तो अभी भी छोड़ भी जा सकते हो। बट मेरे को लगा था कि 100 में से अगर 20% लोग भी अगर मेरा ये व्लॉग देखते हैं तो आई विल कंटिन्यू, वरना फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। भाई अब मैं ऐसी बातें मारती रही तो होगी पैकिंग। अब मैं पैकिंग करके दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। ओके तो गाइस आज हमें शिवम छोड़ने जा रहा है। वो मिला था। ये योगेंद्र सर हमें सन के नीचे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। हेलो तो बोलो, उगजा पेड़ करके दिखा दो जल्दी से। अभी एक हाथ टूटा हुआ तो इसलिए कर नहीं सकता। अरे ट्राई तो करो। झपाक 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 होता है वो। आ गई हमारी ट्रेन। तो ये हम लोग जनरल डब्बे की तलाश में बहुत ज्यादा भागे जा रहे हैं ट्रेन से। जल्दी आओ खट्टे मीठे भेज लो। चलो चलेंगे लड़की किसके लिए? अपने लिए। और किसके लिए लेके चलूं? अब इतना स्मार्ट बन के आया हूँ। आपको शर्म तो आती नहीं होगी ना? शर्म क्या करनी है इस बात में, सबके ब्याह होते हैं, मेरे भी होंगे। आपका क्या कहना है मीति जी? ये मेरी बारात में जाएगी और मैं मुझे भी तो कार्ड ही नहीं देंगे हम बिना कार्ड के। तू शादी में आएगी तो हम भगा देंगे। कट्टी अट्टी बट्टी
कट्टी पूरी उठ मेरी सीट से। हमने तो ये गाइस हमारी उधार की सीट में बैठे हुए, हमने जब्त करी है सीट, वो अच्छे अंकल थे उन्होंने हमें गिफ्ट में दिए। ये खौफ में है, गिफ्ट में खौफ में अमिति ऐसी खौफ में रहती है। मेरे को आ जाओ, मैं तो बड़े बड़े हाँ क्या बोल रहे थे, क्या तूने मेरी कसम खाई 5 मिनट के बाद मेरे को अगर अटैक आया तो फिर मैं ऐसे कर दूंगा। जीप तो निकली ही नहीं, जीप नहीं निकली, अब निकली। विंदर जी आपको कैसी लड़की चाहिए, जिंदा हो, अपनी उम्र से छोटी हो। अरे बताओ ना कौन सी क्वालिटीज। कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, और क्या चाहिए। अरे बताओ ना, बस ये है, यही नीड्स है और क्या। अरे बताओ, लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर चलो तुम पूछ रहे हो तो अच्छी होनी चाहिए, मम्मी को पसंद आ जाए। अच्छा चलो मेरठ वाले आ जाओ, आ भाई मेरठ, मेरठ कहाँ जाना, मेरठ मेरठ। सर कोई अंदर आके दबोच लेगा तो तुम ही तो कर देते। अरे शर्मा जी नाम तो बता दो यार, कहाँ जाओगे हैं? अरे बताओ तो सही कहाँ जाओगे, क्यों परेशान करो बच्चे को। बच्चा परेशान हो रहा है, चीजी खाओगे, चीजी यहाँ खुद के पास चीजी खाने के लिए नहीं है तो बच्चे को, मेरे को चीजी खिला दो यार। खुली बेइज्जती होगी सर ये तो, इग्नोर इग्नोर नहीं बोलते उसे, लड़कियों से भी इग्नोर होते हो, बच्चे से भी इग्नोर हो रहे हो। मेरठ यूपी में ना सलमाना बोलते हैं बच्चों को ऐसे, इग्नोर है ना, सलमा दो ना, है ना। देखो वो बेचारा कह रहा क्या बोलो, आ जाएंगे भैया बोला, मतलब लेके आना भाई वो अपना। अरे नहीं यार, अरे लेके तो आओ यार, यही रखो पैसा भाई यार, और ये योगेंद्र सर सुभारती 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 50 रुपए सवारी, भारी हल्की है भारी, 50 रुपए सवारी, बच्चों गिर जाओगे नहीं। हाँ मैम कहाँ जाओगे, सुभारती 50 रुपए सवारी, जाओ आप फोटो चेक करा के लाओ। तो गाइस अमिति महाजन जी भूल आई है अपने डॉक्यूमेंट्स, तो अब हमें उनकी डॉक्यूमेंट्स फोटो चेक कराने के लिए रुकना पड़ रहा है। सैड 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 रूम अलॉट हो रहे हैं, फाइनली गाइस रूम मिल गया, लो रूम टूर ले लो। अभी ये सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, ये रूम है और ये लाइक इनका सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है, सो कांट से एनीथिंग। ये वॉशरूम है, थोड़ा गंदा है, ये हम हैं और अब हम सोने की तैयारी करेंगे बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड टुडे। तो गाइस अब हम हॉस्टल पहुंच चुके हैं, तो अब मैं सोऊंगी क्योंकि कल से टूर्नामेंट स्टार्ट है। बस तो कल ओपनिंग सेरेमनी ही होगी, बट बाकी अपडेट तुम्हें कल मिल जाएगी, होपफुली मैं कंसिस्टेंट रहूं व्लॉग्स में। बाकी मिलता है कल, सायनारा।